हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल चुका है। इस पर हम कई आंकड़ों के साथ बात करेंगे कि भारत ने क्यों चाइना को चैलेंज किया है। चीन का दुनिया भर की कंपनियों में भारी निवेश है। अभी वैश्विक बाजार में गिरावट के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर हैं वह बहुत ही सस्ते हो चुके हैं। ऐसे में चीन ने आक्रामक तरीके से भारत समेत अमेरिका, यूरोप की कंपनियों में तेजी से निवेश कर रहा, क्योंकि जो शेयर मार्केट या शेयर जो रेट होते हैं कंपनियों के, आईपीओ कह सकते हैं, वह बहुत ही कम हो चुका है। इसी के कारण से जिस जहां पे मौका मिल रहा है वह अधिक से अधिक निवेश करके उसे अपने हक में लेने की कोशिश कर रहा, उसे अपने अधिकार में लेने की कोशिश कर। बीते कुछ दिन पहले ही चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की HDFC बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% से अधिक कर ली। सरकार ने चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से आने वाले विदेशी निवेश के नियम को कठोर कर दिया है। बताया ये गया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो इंडिया ने चैलेंज दिया चाइना को, कहाँ पे कैसे आपको किया क्या हुआ ये आपको समझना होगा। होता क्या था, पहले कोई भी कंपनी जो विदेशी कंपनी है अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो अगर पाकिस्तान की हो या बांग्लादेश, ये दो देशों के लिए अलग नियम था। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई कंपनी भारत के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए अलग, या उसको कह सकते हैं कि कठोर नियम बनाया गया था उसके लिए। लेकिन इसके अलावा कोई दुनिया की और कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए सिंपली अर्थात भारत सरकार से बिना परमिशन के ही वह भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन अब भारत सरकार ने कह दिया कि इन दो देशों के साथ साथ सभी देशों के, इस समय अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो उसे भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि इससे चीन को झटका लगेगा, उस देश को भी झटका लगेगा जो भारतीय कंपनी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि जो चीनी कंपनी है या जो चाइना सरकार है वह अधिक से अधिक भारत में निवेश करके वह भारतीय कंपनियों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से माना जा रहा है कि यह भारत सरकार की ओर से चीन को चैलेंज दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत चीन के निवेश पर पूरी तरह से पाबंदी भी नहीं लगा सकता, बल्कि उस पर कड़ी नज़र जरूर रख सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और फ्रेंच नोबेल लॉरिएट तथा HIV के सह आविष्कारक लाक मॉन्टेनियर उन लोगों में से हैं जिनका मानना है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलाया। और इन दोनों का दावा भी है कि यह वायरस चीन के ताजा कटे पशु मांस के जो बाजार है वुहान वाले क्षेत्र में, वहां से नहीं फैला, बल्कि चीन की एकमात्र और सर्वोच्च 4 रेटिंग वाली माइक्रोबायोलॉजी लैब से आया है। अमेरिका और फ्रांस देश ताकतवर हैं, दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर और चीन पर निर्भर देश इस मामले में कुछ कहने से बच रहे हैं, और भारत इन दोनों ही श्रेणियों में नहीं आता है। ऐसे में भारत ने अमेरिका, यूरोपीय संघ के खासकर इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे देश तथा ऑस्ट्रेलिया की तरह ही भारतीय कंपनियों में चीनी निवेश के मामले में सीधे विदेशी निवेश की अपनी नीति में बदलाव किया है। जैसे अन्य देशों ने कहा कि वह चीनी जो कंपनियां उनको रोकने के लिए, उनके अधिकार को कम करने के लिए उन्होंने चेंज कर दिया, उसी तरह से भारत सरकार ने भी अपने जो नीति है, जो विदेशी व्यापार है, उसमें बदलाव कर दिया है। नई दिल्ली द्वारा हांगकांग, सिंगापुर और उन दूसरे देशों के जरिए आने वाले निवेश पर भी जहां चीनी का इनडायरेक्ट पहुंच है पर अंकुश लगाने का फैसला स्वागत योग्य है। भारत सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। सीधे तौर पर यह कदम जहां भारतीय कंपनियों में अधिग्रहण की चीनी मंशा पर लगाम लगाएगा, वहीं स्थानीय कारोबार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जो मेक इन इंडिया है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है, वह एक तरह से उस पर भी फोकस किया जाएगा और उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में इसका असर उन भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा जो वर्षों से चीनी निवेश पर निर्भर हैं और जो देश में सस्ते चीनी उत्पाद बेचते थे, उनको भी ऊपर इस तरह से प्रभाव पड़ेगा ये जो कदम उठाया गया है। एक सर्वे में बताया गया है कि चीनी निवेशकों ने भारतीय कंपनियों में $4 अरब का निवेश किया है और पिछले 5 वर्षों में 30 में से 18 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों में चाइना की पूंजी लगी हुई है। इसके अतिरिक्त फ्लिपकार्ट से लेकर पेटीएम और ओप्पो से लेकर फार्मा कंपनियों तक में चीनी कंपनियों ने लगभग $3.5 अरब का निवेश किया है। 12 बड़ी भारतीय कंपनियों में चीन ने निवेश किया है। $1 अरब से अधिक पूंजी वाली कंपनियों पर चीन सरकार या जो चीनी कंपनियां हैं उनकी नज़र होती है, चाहे वो भारतीय कंपनी हो या किसी भी देश की कंपनी हो, उनकी उसी पे नज़र होती है।
चीन की कंपनियों का निवेश इस प्रकार है, यहाँ पे 7 से 8 कंपनियों के ऐसे नाम हम बताएंगे जहाँ पे चीन की कंपनियों ने मिला के अपने इन्वेस्ट किए हैं। जैसे पहला बताया गया है स्नैपडील प्लस अलीबाबा, 70 करोड़ डॉलर, इस तरह से इतने इतने का निवेश किया गया है। पेटीएम प्लस अलीबाबा 55 करोड़ डॉलर, ओला प्लस टेंसेट 50 करोड़ डॉलर, स्विगी प्लस टेंसेट प्लस माइटुआंग जो डिनपिंग है वो भी 50 करोड़ डॉलर की निवेश किया है। इसके साथ ही विग बास्केट प्लस अलीबाबा 25 करोड़ डॉलर, जोमेटो प्लस अलीबाबा 20 करोड़ डॉलर, ड्रीम इलेवन जो आप मैच वाला जो लगाते हैं वो अभी उसमें भी इन्वेस्ट किया गया है, ड्रीम इलेवन प्लस टेंसेट 15 करोड़ डॉलर, हाइक प्लस टेंसेट में 15 करोड़ डॉलर। तो ये कुछ आंकड़े थे जिसमें कंपनियों ने, जो चीनी कंपनियों उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसके साथ ही लगभग भारत के हर घरों में खाने वाली चीज़ें, खिलौने, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, वित्तीय लेन देन, चाहे वो पेटीएम हो, इस तरह से आप देख रहे हैं वित्तीय लेन देन, घरों की जो लाइट होती है, मनोरंजन के क्षेत्र जैसे टिकटॉक हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया जो आप यूज करते हैं, ये सब चाइना की हैं। किसी न किसी रूप में हमारे आसपास, हमारे समाज में ये पहले से ही विद्यमान है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हमें प्रभावित करती हैं। इन निवेशकों को मंजूरी मिलने का एक कारण यह भी है कि भारत ने बिना सोचे समझे सीधे विदेशी निवेश पर जोर दिया, जिसे आर्थिक समृद्धि का एक संकेतक माना जाता है। इसका एक और बड़ा कारण यह भी है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हमारी कंपनियां सस्ते चीनी उत्पादकों को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। जैसा कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि आइसक्रीम के साथ दिए जाने वाला जो लकड़ी होता है, जो चम्मच होता है, वह भी चीनी बांस से तैयार होता है। जैसे यहाँ पे इमेज लगाया भी गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यही है जो बांस होता है, जो इसमें लकड़ी होता है, वो चाइना से ही बन के आता है। तो ऐसे में यह भी बताया गया है कि अब इस विवाद के बाद भारतीय कंपनियों को इसका निर्माण करना होगा, और इससे न केवल देश में रोजगार की संभावना बढ़ेगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी वास्तविक रूप से बढ़ावा मिलेगा। कोरोना वायरस से हजारों चीनी नागरिकों की जान चली गई है, लेकिन चीन के लिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि चीनी नेताओं को अपने नागरिकों की मौत परेशान नहीं करती। उनको सिर्फ दिखता है कि किसी भी तरह से फ़ायदा कमाया जाए, किसी भी तरह से उस देश की कंपनी को अपने अधिकार में लिया जाए। यही जो चीन देश है, चीन देश की सरकार या चीनी कंपनियां मात्र यही सोचती हैं। क्या इसके पीछे पश्चिमी देशों की उन कंपनियों पर चीनी अधिग्रहण की मंशा काम कर रही थी, जो विश्व शक्ति बनने की चीन देश की राह में रुकावट बनी थी, यह भी एक प्रश्न है। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन की यह योजना अब उल्टी पड़ गई, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला टूट जाने के कारण से अनेक पश्चिमी देशों को अब चीन पर अपनी अति जो निर्भरता होती है उसका नुकसान का एहसास होने लगा है। इस पूरे का मकसद मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये हो गया कि जो चीनी सामान होते हैं सस्ता होते हैं, इसलिए पूरे दुनिया में फैले होते हैं, चाहे वो एशिया महाद्वीप में हो, यूरोप महाद्वीप हो, कोई भी महाद्वीप, हर महाद्वीपों में बिकता है। तो इस कारण से जो लॉकडाउन कर दिया गया, इसलिए जो चाइना का सामान है वो कहीं पे बिक नहीं पा रहा है। तो वो कहा गया है कि जो चीन सोच रहा था कि हम एक दिन विश्व शक्ति बनेंगे, और जिन देशों में ये अपना निवेश कर रहा था या वहाँ पर अपना सामान बेचता था, अब इस तरह से पूरी तरह से जो श्रृंखला है वो टूट चुकी है। तो ऐसे में जो उसका सपना था, वह पूरी तरह से उसका सपना भी टूट जाएगा, क्योंकि अब वही जो यूरोपीय कंट्री हैं और जो भारत औरत हो गए जो एशिया में आते हैं, वह भी अब चाइना पे निर्भरता कम करके खुद अपना सामान बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही भय और आशंका से शेयर बाजार भी टूट चुके हैं, इतिहास के सबसे निम्नतम स्तर पर आज पहुंच चुके हैं। चीन की रणनीति का दूसरा हिस्सा यह था कि वह वायरस के हमले से तबाह हो चुकी कंपनियों में निवेश बढ़ाकर देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर धीरे धीरे कब्जा जमाए। भारत के पड़ोस में चीन देश यह काम पहले ही कर चुका है, लेकिन चीनी निवेशक बहुत ही कठिन शर्तों के साथ आते हैं, जिसके कारण से बाद में बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जिस भी देश में ये चीनी निवेशक निवेश करते हैं। युद्ध से जर्जर श्रीलंका का ही उदाहरण हमारे सामने है, जिसके पास चीनी सहायता के चलते आधुनिक सड़कें और बंदरगाह को विकसित किया है चीन देश ने श्रीलंका में। चीनी मदद ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, लेकिन एक कीमत पर उसका हम्बन टोटा, ये जो एक बंदरगाह है यहाँ पे श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसको 99 वर्षों के लिए उसे अपने कब्जे में चीन देश ने ले लिया, और इस बंदरगाह के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसे एक चीनी शहर के रूप में डेवलप भी कर दिया है। क्योंकि श्रीलंका चीन द्वारा मांगी गई ऊंची ब्याज दरों का भुगतान करने में असमर्थ था, इसलिए भुगतान नहीं कर सका। श्रीलंका इस समय चीन देश का 8 अरब डॉलर का कर्ज लिया है।
चीन इसी तरह की चाल मालदीव जो 10,000 करोड़ डॉलर बकाया है, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल में भी इसी तरह की परियोजना चला के चीन देश इन देशों को कर्जदार बना रहा। इन सभी देशों को अपनी विकास दर बढ़ाने के लिए तुरंत धन की जरूरत है और चीन के पास वह धन है। इसके साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि चीन कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा जो करता है वो जो समय होता है, जो निर्धारित समय होता है, उसी समय पे पूरा कर देता है। इसीलिए जो छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, ऐसे और जो देश हैं वह चीन पर विश्वास करके अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए उसे ऑफर देते हैं। हम में से बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि चीन भारत के साथ व्यापार कर भारतीय बाजारों में अपने उत्पादन बेचकर प्रति वर्ष 50 अरब डॉलर से अधिक रुपया कमाता है। यह राशि उस प्रोजेक्ट के बराबर है जो चाइना पाकिस्तान में CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो चल रहा, उसकी जितनी लागत है उतना प्रति वर्ष चाइना भारत से इतना रुपए कमाता है। पाकिस्तानियों को भी यह विश्वास हो गया है कि यह गलियारा जो आपका CPEC है पाकिस्तान के अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन यह सच्चाई से परे है। इसने तो पाकिस्तान को भी चीनियों का गुलाम बना दिया है। CPEC प्रोजेक्ट के सभी बड़ों पदों पर चीनी नागरिक ही नियुक्त हैं, पाकिस्तान तो वहाँ पे सिर्फ एक तरह से लेबर के रूप में काम करता है इस CPEC प्रोजेक्ट में। इस परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी निवेश को प्रतिबंधित करने का हमारी सरकार का यह कदम एक आश्चर्य के रूप में आया है, क्योंकि भारत देश ने इसके पहले या आज वर्तमान में बढ़ते विस्तारवादी चीनी नीति को रोकने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाया है। लेकिन यह और वक्त है, यह दूसरा समय चल रहा है इस समय, क्योंकि सभी देश आज परेशान है। जब भारत ने चीन को चुनौती दी है तो ऐसे में अभी ये देखना है कि जो चीन सरकार है इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है, उसका क्या एक्शन होता है। लेकिन ये सरकार ने, भारत सरकार ने सीधे सीधे चीन को जवाब दे दिया कि वह हमेशा तैयार है, वह अपने देश के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगी, चाहे वो चीन सरकार हो या अमेरिका सरकार हो या दुनिया की कोई भी सरकार है जो भारत की कंपनियों को बर्बाद करने या उस तरह से लूटने की जो कोशिश करेगी। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।